हाँ तो प्यारे दोस्तों, वंडर टिप्स चैनल आज आपके लिए लाया है एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो, और वो बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे अच्छी आदतें सीख सकते हैं, कैसे अपने आप को सफल कर सकते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी की जंग को अकेले भी लड़ो, टीम के साथ लड़ो, लेकिन मकसद जीत का होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हम कुछ भी कर लें, जब तक सफलता के परिणाम नहीं आएंगे तब तक जीत जीत नहीं है। और फार्मूले सारे आपके पास हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन पर उतर जाते हैं। मैं तो ये जानता हूँ जो उड़ान भरने का हौसला रखते हैं उन्हें गिरने से डर नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ ऊपर उड़ती है नीचे तो आती है, बशर्ते कि आप ज़मीन से अपना लगाव ना छोड़ें। मेरे प्यारे साथियों, ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो डर को छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो। अगर डर और चिंता को आपने छोड़ दिया, फिर आप किसी भी हालत में हार के नज़दीक नहीं आ सकते। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, अपने गोल्स रखिए ज़िंदगी में, कोशिश करिए क्या बेस्ट आप कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो कि वो क्या चाहता है, क्योंकि उसने जो चाहा है वो आपकी चाहत से काफ़ी अलग है। उसने जो चाहा है वो कुछ अच्छा चाहा है, बेहतर चाहा है आपकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन हम कई बार इंपेशेंट हो जाते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, कई बार हम ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं, और ये कुछ लोगों की सोच है ऐसी, अदरवाइज आपको क्या ज़रूरत है जब ऊपर वाले ने आपको जीत का सिकंदर बना दिया है तो क्यों चिंता करें किसी की। अपने काम को, अपनी दक्षता, अपनी मेहनत, अपने पैशन, अपने प्यार, अपने लगाव से करते चले जाइए। होता क्या है, हम रिएक्ट करते हैं दूसरे के बिहेवियर के साथ। एक्स आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, आप भी कर देंगे तो मतलब क्या है, क्योंकि कुछ लोग बूढ़े होने के बाद में भी ये नहीं सोच पाते कि हम ज़िंदगी में क्या करने आए हैं। वो अपनी हैसियत को अपने सिर पर रख कर चलते हैं, जबकि मेरा ये मानना है जितना एडजस्टमेंट से काम हो जाए उसका मुकाबला ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों वही मेरी बातें, सुबह जल्दी उठिए, 5 AM क्लब मेंबर, भगवान को धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड, देन टेक ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी, गुनगुना पानी लीजिए, उसके बाद में आप फ्रेश होइए, योगा करिए, जंपिंग करिए, रनिंग करिए, एनी इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ भी करें, लेकिन पसीना ज़रूर आ जाना चाहिए। अगर पसीना आ गया तो बात ही कुछ और है। तो प्यारे साथियों, उसके बाद आप दिन की प्लानिंग कर लें, बुक्स पढ़ने में कम से कम आधा घंटा डेली दें, एंड आई वुड सजेस्ट गो फॉर द नॉन फिक्शनल मोटिवेशनल बुक्स, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड अवेलेबल ऑन द बुक स्टोर्स आल्सो। नीड नॉट टू इन्वेस्ट मच, आपको हर जगह मिल जाती हैं, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ।
उसके बाद क्या सोचना है, करते रहिए, बढ़ते रहिए जिंदगी में आगे। किसी का दिल ना दुखाएं, कोशिश अपनी होते, किसी से झगड़े की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करें कि कैसे अपनी ज़िंदगी में शानदार तरीके से हर काम को अंजाम करें। जब आप चाहेंगे कि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसका मुकाबला ही और है। फिर आप कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, खाने पे ध्यान रखिए, सुबह शाम का पसीना बहा लें, तो आपके अंदर इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ जाएगा। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको कॉन्टिन्यूस बता रहा हूँ पिछले 3 साल से, और मेरे कुछ दर्शक, ऑडियंस, फ्रेंड्स ऐसे हैं जो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपको भी उठानी है तो वीडियो देखिए, अपने कमेंट्स लिखिए और बताइए किस चीज़ पर बनानी है वीडियो। आदमी हर चीज़ कर सकता है, केवल और केवल उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह मैं बताऊं कि मैंने पिछले 1 साल में पॉडकास्टिंग शुरू की, किताब लिखी लव योर लाइफ, अवेलेबल ऑन किंडल स्टोर, मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, अपने मन के विचारों को हम रखते हैं वहाँ पर, और दोस्तों पढ़ने का शौक़ है, करीब 45वीं बुक मेरी चल रही है। टाइम कम मिलता है लेकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको भी समय देना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ योगा में मास्टरी की, सुबह घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को कुछ जीवंत उदाहरण दे पाएँ, इन सब चीज़ों के साथ करते हुए रात को आराम से नींद लेते हैं। करना उसने है, कर्म करना हमारा काम है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। और दोस्तों ज़िंदगी की राह में बढ़ते चले जाइए, जूझते चले जाइए, और कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम तरक्की ना कर पाएं। आजकल मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखना, अपने हाथों को साफ रखना, हर चीज़ में एहतियात बरतना एक ज़रूरत है। क्योंकि मैं कल भी देख रहा था कि टोटल इंडिया का फिगर करीब 40,000 टच कर चुका है, जो कि हम 8-9 हज़ार पर आ गए थे। कोरोना जैसे शेर को मरा हुआ ना समझें, कोशिश करें कि आप इसका ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को बचाएं, परिवार वालों को बचाएं, और ये सेकंड वेव को हम सफलतापूर्वक इसमें जीत जाएं। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, जस्ट गिव योर कमेंट विद योर फोन नंबर, आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन। और वो मेरे साथी जो कि अपने आप को कई बार डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं, उनसे भी मेरी गुंजाइश है कि उनको भी मैं जवाब दूंगा, ना डिप्रेशन में आए। आपको अपनी जंग को अकेले जीतना होगा और आपको जीत का सिकंदर बनना होगा। कल एक बड़ा दुख हुआ, राजस्थान की एक घटना, एक बच्चे का आर्मी में एडमिशन नहीं हुआ, टेस्ट में फेल हो गया, उसने खुदकशी कर ली, 20 साल का बच्चा, बड़ा दुख हुआ। तो दोस्तों क्यों करें ऐसे स्टेप्स, अपने पीछे अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते? आत्महत्या महापाप है, इसको क्यों नहीं मानते? और चिंता को हमें काम करके ख़त्म करना है, प्रोग्रेस करके। क्या हम अपने आप को डिप्रेशन में करके कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? कदापि नहीं। तो इसलिए हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, डिप्रेशन के जाल में ना फंसे।
ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, सी यू।